शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। हाँ तो भाई लोग यार कैसे हो रहे, मैं वापस आ गया फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करने वाले एक सेक्सी बॉय के बारे में। नहीं नहीं तुम लोग मेरे साथ मिलके बोलो सेक्सी बॉय। तो हाँ यार आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आदर्श आनंद लेब्जू के बारे में। पैसे से ये टिकटॉकर और यूट्यूबर दोनों है और इसके टिकटॉक पे करीब कितने फॉलोवर थे आदर्श भैया बताना जरा। 3.8 मिलियन 38 लाख। तो आओ यार इस चुल मचाते लौंडे लपाटे की वीडियो देखते हैं। घनी बगचौदी भाई, घनी बगचौदी जहाँ पर कभी अंगूर नहीं हुआ करते थे आज वहाँ तरबूजे उगाए जा रहे हैं। वाह भोतड़ी के वाह। तुम लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कल ये यही पहन के जीबी रोड पे कैट वॉक करेगा। जैसे गली बॉय निकलने के बाद हर गली का लौंडा रैपर बनना चाहता था, वैसे ही टिकटॉक बैन होने के बाद हर गली का लौंडा रोस्टर बनना चाहता है। और ऐसा ही हमारे आदर्श भैया भी रोस्टर बनना चाहते हैं और कुछ दिनों में इनकी रोस्टिंग वीडियो आने वाली। इससे पहले हम इसकी राय जान लेते हैं रोस्टर के बारे में। रोस्टिंग जब हम करते हैं तो पूरा एकदम आखिरी ले लेते हैं उसकी माँ का। कोई भी गाली दे दे लेकिन माए और बहन लाएगा गाली कभी नहीं देंगे। समझे हमारा घर में माए बहन है इज्जत करते हैं। रोस्ट करते हैं तो क्या हुआ माए बहन का गाली दे देंगे हम। इस आधी औरत ने कहा कि ये माँ बहन लगा के गालियां नहीं देते हैं। मुझे तो लगता है ये तो ना कभी अपनी स्क्रिप्ट लिखते और ना ही ये कभी अपनी वीडियो ध्यान से देखते है। आखिरी ले लेते हैं उसकी माँ का। A few moments later. उसकी माँ का। अरे तेरी माँ का। पहले तो मैं आदर्श भैया आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अपनी वीडियो पूरी देखा करो खुद से और उसके बाद मैं आप लोग को ये समझाना चाहूंगी उसकी माँ का बोल के चुप हो जाओ या फिर उसकी माँ का भोसड़ा बोलो, दोनों का मिलिंग बेटा एक ही होता है। हेलो गाइस, गाइस मैं हूँ भागलपुर की जिया और मैंने सभी को दिल दिया। मैडम जी और कुछ चाहिए? भैया और जो चाहिए वो आपके पास नहीं मिलेगा। मैडम बताओ तो। भगवान ने इसे गलत ही लड़का बना दिया, इसे औरत बनने का बहुत शौक है, इसे लड़की ही बनाना चाहिए था। और ये बंदा ना अपनी वीडियो में खुद ही कंफ्यूज रहता, पहले कुछ और बोलता है फिर कुछ और बोलता है। नहीं नहीं यार तुम मेरी गांड मारे से अच्छा इसकी वीडियो खुद ही देख लो। हम लोग का माई बाप तो टिकटॉक पे था। A few moments later. खत्म हो गया, बैन हो गया, अब क्या करोगे? माय बात थोड़े ही ना टिकटॉक था। इस जीबी रोड वाली की बकचोदी मैं नहीं झेल पाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारी भी फैमिली बड़ी करो यार। और अगर इसका पार्ट टू मांगता है तो बोलो मांगता है मांगता है कि नहीं। अगर चाहिए तो कमेंट करो यार। तू जब तक सड़ेगा मैं तब तक लड़ेगा, मैं ठक ठक करेगा दिल धक धक करेगा और मेरे ही खौफ में हर जगह जाके तू मेरे ही बारे में बकबक करेगा। तू बकबक करेगा, तू बकबक करेगा।